तो यहाँ पे आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेते हो, उनको वापस नहीं करते। आप लोन एप्लीकेशन वालों को लूट रहे हैं और अब आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। आपके पीछे एजेंसियां पड़ चुकी हैं, आपको पकड़ लेंगे। अब आपको थाने में जाना पड़ेगा, आपको पकड़ के जेल में कर देंगे। आपने लोन एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा लूट लिया है, आप उनकी रिकवरी वापस नहीं कर रहे। अब आपके दिन बहुत बुरे आने वाले हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसे लोन एप्लीकेशन वाले एजेंट बोल रहे हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे देखें, एक आपको कमेंट्स नज़र आ रहा है। ये कमेंट्स एक बंदे ने किया है जो मेरे ख्याल में 100% लोन एप्लीकेशन वाले एजेंट हैं, जो कह रहा है कि आप लोगों को मुश्किल टाइम में लोन एप्लीकेशन वाले लोन मुहैया करते हैं, लेकिन आप गलत कर रहे हैं, उनका लोन ले लेते हैं, बाद में वापस नहीं करते। देखो, मैंने भी इनसे लोन लिया है, लेकिन मैं इनको टाइम पे वापस कर देता हूं। अब मेरी लिमिट 1 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। यहां पे मैं इस भाई को कहना चाहूंगा, इस एजेंट को कहना चाहूंगा कि भाई, आपने जिस लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, आप टाइम पे इनको वापस कर रहे हैं, तो आप उस पैसे का ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, आप उस पैसे को ब्लैक पैसे को वाइट कर रहे हैं, कुछ अनलीगल काम कर रहे हैं। आप चाहे कोई मंशियात का काम कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं है कि आप कोई जॉब करते होंगे या आपका कोई बिजनेस होगा, ये सूद का कारोबार है। जब कोई एक बंदा लोन एप्लीकेशन से सूद पे पैसे ले लेता है, तो दोबारा इनको बहुत सारे पैसे देता है। आपने ये नहीं कमेंट में लिखा, आपने सिर्फ ये लिखा है कि लोन एप्लीकेशन को आप लोग लूट रहे हो, आप लोग लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेते हो, बाद में वापिस नहीं करते। वापिस करने की अहमियत ही नहीं छोड़ते आप, लोगों को छोड़ते नहीं इस काबिल के वो वापस कर सकें। लोगों को 5,000 रुपये से स्टार्ट करते हो, उसके बाद उनकी लिमिट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते हो। जब वो बंदा 35,000 40,000 तक पहुंच जाए, तो आप उससे 35-40 हज़ार ले चुके होते हो। उसके बाद उसके पैसे होते हैं जो आप उसके साथ खेलते रहते हो। तो सबसे बड़ा फ्रॉड आप लोग कर रहे हो। अगर हम इस पे वीडियो बनाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपने लोन एप्लीकेशन से लोन बिल्कुल नहीं लेना, अगर किसी ने लोन लिया है, उसको बार बार रीपे किया है, तो रीपे मत करें, इनकी रिकवरी रोक दें, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और सबसे बड़े फ्रॉड ये लोन एप्लीकेशन वाले हैं, ब्लैकमेलर हैं, हरासमेंट करते हैं, पिक्चर से मोबाइल से पिक्चर को निकाल लेते हैं, वीडियो को निकाल लेते हैं और लोगों को हरासमेंट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। इनकी वजह से रावलपिंडी में जो खुदकुशी हुई है, वो सिर्फ एक बंदा है। ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी वीडियो वायरल नहीं हुई, जो मंजरे आम पर नहीं आ सके, वो खुदकुशियां कर चुके हैं। ऐसे सैकड़ों घर हैं, लोगों के घर उजड़ गए हैं इन लोन एप्लीकेशन की वजह से। और अभी हाल ही में इंडिया में एक फैमिली है जिसने मियाँ बीवी और 2 बच्चों को कुछ पला दिया, और वो मियाँ बीवी और बच्चों ने खुदकुशी कर ली इन लोन एप्लीकेशन के हाथों से। ये जानलेवा मर्ज है लोन एप्लीकेशन। हम आपको कहते हैं कि इनसे लोन मत लें, अगर किसी ने लोन लिया है तो वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, इनका लोन बिल्कुल रीपे मत करें, और एफआईए में कंप्लेन करें। जितनी ज्यादा कंप्लेन आप एफआईए में करेंगे, इतनी जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी एफआईए बहुत ज्यादा कार्रवाइयां कर रहा है, बहुत ज्यादा सरगर्म है, कुछ एप्लीकेशन को बंद भी कर दिया गया है, कुछ एप्लीकेशन के एजेंट को पकड़ा भी गया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो बहुत ज्यादा लोगों को डरा रही है। वो कहती है, देखा वो एप्लीकेशन तो बंद हो गई है, उसके वो रजिस्टर नहीं थी, बंद हो गई है, हमें गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है, देखा हम काम कर रहे हैं, हम बंद नहीं हुए, हमारा लोन वापस करो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, हम आपको जेल में भिजवा देंगे, हम आपके घर आ जाएंगे, हम आपका जो लोन बढ़ रहा है आपको पे करना पड़ेगा। इसी वजह से लोग खुदकुशी करते हैं, जब इनकी लिमिट इंक्रीज करते जाते हैं, किसी की लिमिट 50,000 हो रही है, किसी की 1 लाख हो रही है, और जब वो ओवरड्यू में चला जाता है, तो डेली हर रोज उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, उसके ऊपर जो सूद है वो लगता जाता है, और उसकी अमाउंट लाखों रुपए में चली जाती है। और जब लाखों रुपए में चली जाती है, वो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, उसको समझ नहीं आती अब मैं क्या करूं। और इनकी कॉलें, बार बार फोन, पैसे दो, जहां से मर्जी दो, हम ऐसे कर देंगे, आपके ऊपर FIR हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपकी फैमिली नंबर में कॉल करेंगे, आपके ऑफिस में कॉल करेंगे, आपकी पिक्चर हमारे पास है, आपका डाटा हमारे पास है, हम आपका ID कार्ड ब्लॉक कर देंगे, हमारी टीम आपके घर आ जाएगी। इस तरह करके आपको ब्लैकमेल करते हैं, हरासमेंट करते हैं,
और हर वो बंदा जिसका लोन लाखों में चला गया है, ओवरड्यू हो गया है, वो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है। जब वो चारों तरफ से डिप्रेशन में चला जाता है, वो सोचता है अब मैं क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं है, मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूं, मैं इतने पैसे कहां से ला सकता हूं, मैं सारी जिंदगी भी मेहनत कर लूं तो मैं 8 लाख 10 लाख इनका जो ओवरड्यू हो गया है लोन वो रीपे नहीं कर सकता। तो इसे बेहतर है रस्सी डालते हैं पंखे में, गले में रस्सी डालते हैं, अपने आप को खुदकुशी कर लेते हैं, मैं चला जाऊंगा मेरी जान छूट जाएगी। भाई देखो, अगर आप लोन एप्लीकेशन से डर के खुदकुशी कर लेते हो तो इसमें आपका नुकसान है। अगर आप खुदकुशी नहीं करोगे, इनको फेस करोगे तो ये क्या कर लेंगे? आप खुद अपने हाथों से जब खुदकुशी करोगे तो आपकी जान चली जाएगी, आपके बीवी बच्चे आपके माँ बाप वो बेसहारा हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इनको फेस करो, मान लो कि ये आपके ऊपर FIR करवा देंगे, आपको जेल भिजवा देंगे, लेकिन आपकी जान तो बची होगी ना, आप जिंदा तो होंगे ना, वैसे ये ऐसा कुछ कर नहीं सकते। आपने बिल्कुल इनसे नहीं डरना। जो बंदा भी आपको कहता है कि इनका लोन वापस कर दो, ये बड़े अच्छे हैं, आपको मुश्किल टाइम में पैसे देते हैं, उनको बोलो भाई तुम इस धंधे में मुलव्वस हो, तुम इनके साथ मिले हुए हो, तो अगर तुम इनको वापस कर रहे हो तो तुम कोई ब्लैक धंधा कर रहे हो, तुम मंशियात बेच रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो, इस वजह से तुम इनको पैसे वापस कर रहे हो, वरना तुम इनको पैसे कभी वापस ना करते, या तुम इन्हीं के एजेंट हो। आज की वीडियो में इतना ही आपको बताना था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इनसे बच के रहिएगा, लोगों को बताइएगा कि लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई मत करें। जो लोग भी आपके आसपास आपको नजर आता है लोन एप्लीकेशन से लोन लेके फंसा हुआ है, उसको आप लोग मोटिवेट करें, उनको बताएं कि ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।